नमस्कार, मैं कुमार श्याम। एक पुरानी कहावत और मशहूर है कि अगर आप झूठ को बार बार या 100 बार बोलेंगे तो वो आपको सत्य नज़र आने लगेगा। दरअसल इन दिनों यही हो रहा है, ये अलग अलग स्तरों पर अलग अलग मायनों में हो रहा है। आज हम एक ऐसे ही झूठ की बात करेंगे जो कि बेशर्मी से मीडिया में फैलाया जा रहा है। हम किसी के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम किसी से व्यक्तिगत रूप से द्वेष करने लग जाएं तो उसका झूठ भी हमें सत्य नज़र आने लगता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसलिए इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। और आपके सामने मैं आज ऐसा ही एक झूठ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप तक पहुंचाना वो पहुंचा रहा हूं। एक शख्स जिसके प्रति बेतहाशा रूप से पूरी मीडिया ने दुष्प्रचार किया, उसको गिराने की कोशिश की, उसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के स्टार प्रचारक, उनके खिलाफ पूरी मीडिया ने जिस तरह से दुष्प्रचार किया, उनका चरित्र हनन किया, उसको आप देखते होंगे और समझते होंगे कि क्यों इस व्यक्ति के खिलाफ ये लोग लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू से आप हजार स्तरों पर, हजार मायनों में आप ऐसे मत हो सकते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की जो संप्रेषणता है और उनकी जो वाकपटुता है उससे आप खारिज नहीं कर सकते। और भाजपा के लिए सबसे बड़ी जो गले की फांस थी वो थी नवजोत सिंह सिद्धू। वो जहां जहां कैंपेन कर रहे थे वहां पर बीजेपी की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो उन्होंने अपनी गोदी मीडिया से कहा कि आप उनका चरित्र हनन करें, इस व्यक्ति को आप टारगेट करें, और उसी व्यक्ति को टारगेट किया गया। दरअसल बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2019 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का मुकाबला था, जिसमें भाजपा की स्मृति ईरानी जीत गई, राहुल गांधी हार गए। नज़दीकी आंकड़ों में देखें तो बहुत ही मुकाबले की टक्कर थी, लेकिन हार और जीत होती है, हार हार होती है, जीत जीत होती है, स्मृति ईरानी जीत गई। उसके बाद में ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, सिद्धू क्विट पॉलिटिक्स, यानी सिद्धू राजनीति छोड़े। ये क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि सिद्धू के हवाले से एक बयान प्रसारित किया जाने लगा कि सिद्धू ने प्रचार के दौरान ये बात कही थी कि अमेठी से अगर राहुल गांधी हार गए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस तरह से बड़े बड़े पत्रकार और बीजेपी की ट्रोल आर्मी वो सिद्धू के इस हैशटैग के साथ कहने लगे कि आप राजनीति छोड़ें क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से हार गए हैं। इसकी सच्चाई क्या है? और इस हैशटैग के साथ जो स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा था वो स्क्रीनशॉट था 29 अप्रैल 2019 का, और वो जो छपा था वो लिंक इकोनॉमिक्स टाइम्स के वेब पोर्टल पर। इस मुहिम में आहुति दी रोहित सारदाना और अमीश देवगन ने। इन्होंने क्यों दी आप समझ सकते हैं। अब हम सत्य की पड़ताल करते हैं कि क्या वास्तव में नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात कही थी या फिर झूठ फैलाया गया। जब ये हैशटैग चल रहा था तो इस हैशटैग के आधार पर भी कई वेब पोर्टल के टीवी चैनल्स ने इस खबर को चलाया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बयान दिया था जो कि चुनाव प्रचार के दौरान, अब उन्हें नैतिकता के आधार पर पॉलिटिक्स छोड़नी चाहिए क्योंकि वो जबान के पक्के हैं, वो कहते हैं अक्सर नवजोत सिंह सिद्धू। तो सारे टीवी चैनल्स, कई वेब पोर्टल, आज तक के भी यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोज बने। लेकिन इस खबर का जो आधार था वो आधार था 28 अप्रैल 2019 को रायबरेली में एक रैली के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ कहा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा था उसे सुने। राहुल भैया, तुम्हें चुनाव नहीं देते, हजार बार पुकार पुकार के पूछते हैं कि तुमने 30,000 करोड़ रुपए किसी अंबानी को राजस्थान के घरों में खिलाया। तुम फ्रांस खुद गए और डील करवा के आए, सरकार को नजरअंदाज करके, उनके नेगोशिएटर्स को नजरअंदाज करके सीधा एमओयू अंबानी की 7,500 करोड़ में डूबी हुई कंपनी का शेयर 10 रुपए का 1100 में खरीदा फ्रांस ने। तुम बहस करो मेरे भाई के साथ हिंदुस्तान के किसी कोने में अपने घर को लगा राहुल भाई को, यदि राहुल भाई हार गए तो मैं राजनीति सलाहकार नहीं छोड़ूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे हैं कि राफेल डील के ऊपर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी डिबेट कर लें, और राफेल डील में राहुल गांधी को अगर मोदी हरा देते हैं तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। बात थी राफेल डील पर बहस की, लेकिन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर इस बात को कैसे प्रसारित किया कि उन्होंने अमेठी का कहा कि अगर अमेठी से राहुल गांधी हार जाते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अर्धसत्य का इतना प्रभाव होता है कि आप व्यक्ति
कि द्वेष भावना में इतने अंधे हो जाते हैं कि आप समझते ही नहीं हैं कि क्या इस व्यक्ति ने बात कही है। जब आपने इसकी पड़ताल नहीं की, बड़े बड़े पत्रकारों ने ट्वीट किया, आपने सत्य की पड़ताल नहीं की, आपने वह बयान पूरा नहीं सुना, केवल एक स्क्रीनशॉट के आधार पर आप उसको हैशटैग की तरह ट्रेंड करवाने लग जाते हैं उसी दिन जिस दिन ये नतीजे आए, तो आपकी पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। चूक हो सकती है, लेकिन इन दोनों पत्रकारों की ट्विटर पर ये दोनों ट्वीट पड़े हैं अभी तक, उन्होंने डिलीट नहीं किए हैं। डिलीट करना भी नहीं था क्योंकि इन्होंने पड़ताल की नहीं, ट्वीट किया, आगे चल दिए। उन्हें तो आग में आहुति देनी है। आप समझिए दोस्तों कि ये लोग अर्ध सत्य के बल पर कुछ लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे उनका क्या राजनीतिक लाभ है वो आप समझ सकते हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू की छवि खराब करने से किसे लाभ होता है, क्यों लाभ होता है, वो भी आप समझते हैं। दोस्तों आप अपने स्तर पर भी पड़ताल किया करें ताकि आप झूठ से बच सकें। ये जो पड़ताल मैंने आपके सामने पेश की है, इसका श्रेय जाता है राकेश कुमार को, एक यूट्यूबर है और वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, पास ही बेल आइकन उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते आपको सूचना मिल जाएगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाएं जहाँ पर समर्थन का बटन है, उसको क्लिक करें, उसमें अपने समर्थन अनुसार राशि चुन सकते हैं ताकि हम इस काम को मजबूती से करते जाएंगे। मिलेंगे ऐसे एक महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।